छीन चला मने बांसुरी बाला। तीसरा भागी सुनो चितलाई,
और धीर सिंह ले गयो उन्हें जब फांसी से छुड़वाई। और हुआ नगर में सोरू और सभी नर नारी रहे हर साई, और बिन मैया के लाल आज चाचा ने लिए रे बचाई। खड़ में तीनों और रूप कुमार रो कर के भैया जवाब चचा से दियो। हाथ तो मेरे प्रिय श्रोता हो, देखिए आज धीर सिंह दोनों बच्चों को फांसी से छुड़ा करके ले जाते हैं, तो इधर में बिया बान जंगल में जब दोनों बच्चे चले जा रहे हैं धीर सिंह के साथ में, भागते भागते बहुत दूर निकल चुके हैं, आज जब थक जाते हैं और टीका टीक दोपहरी पड़ रही थी, हाय धूप से कुमलाए हुए वो बालक आज कहने लगे चाचा। जब चली कुमारी दोनों बन में, जब चली कुमारी दोनों बन में और चाचा दी की संग में, चला नहीं जाता है बेटा रूप बेटा बसंत, थोड़ा और आगे चलो मेरे लाल, अभी तो हमें बहुत मंजिल तय करनी है। नहीं चाचा, अब हमसे बिल्कुल नहीं चला जाता है। मैं
बताओ। इस प्रकार से जब दोनों बच्चों की पुकार सुनी, धीर सिंह कहने लगी, बेटा आप किसी बात की चिंता मत करो, आप देखो इस झाड़ी के सहारे से बैठना, मैं अभी आता हूँ, आप कहीं किसी जंगली जानवर से डर के भाग मन जाना बेटा, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर के आता हूँ। मेरे प्रिय श्रोता हो, आज धीर सिंह पानी लेने के लिए निकल जाता है। हाय हाय, ए धर्मी, बंदो जब पानी नहीं मिल रहा है तो आज धीर सिंह लौट करके आ रहा है, और इधर हाय हाय एक शेर दहाड़ लगाता है, और सिंह की दहाड़ को सुन करके दोनों बच्चे एकदम से डर जाते, बोले भैया रो भैया बसंत, चलो चलो भैया ये शेर आ रहा है अंत हमको खा जाएगा। आज दोनों बच्चे भाग देते बंदू, और धीर सिंह उसी जगह पे आता है जहां से जो बच्चे बैठाल करके गया था। आज दोनों बालक आगे बढ़ गए, जब आकर के धीर सिंह ने आवाज लगाई, बेटा रूप बेटा बसंत, बेटा रूप बेटा बसंत, तुम कहां हो बेटा? के करता कैसी करूं और जल का कहीं निशान, जल का ठिकाना ना कुमर कर दिल में सबर लीजिए, चले चलो बेटा आने की और कष्ट और सह लीजिए। आज मेरे प्रिय श्रोता हो, धीर सिंह आकर के एकदम से रोने लगा है, हाय हाय क्या हुआ ये, कहां जाऊं, मैंने तो दोनों बेटा यहीं छोड़े थे, लेकिन आज किधर देखूं ओनी बड़ी बलवान है। हाय राम अब कैसी भई, और मुझे लिया सब तरे लूट, बिकट बनी के बीच में मेरे दो कुमर गई छूट, बेटा रूप बेटा बसंत, तुम कहां हो मेरे लाल? बेटों से कर दिया जुदा, हे राम अब कैसी भई, किस पाप की सजा भगवान मुझको दे दई, होनी बड़ी बलवान ही टाली किसी से ना टली, इस कर्म की गति कठिन ही जानी किसी से ना पड़ी, बेटा हे विधाता हे प्रभु हे वृक्षो तुम ही बोलो ना, आज फूलों से तुम्हारी हरी भरी डाली है, अरे धीर सिंह तेरी गोद आज खाली है, कहाँ हो? होनी बड़ी बलवान लिखी होती है, कहाँ गए दोनों कुमारी याद आती, हाय
बिकटी बनी के बीच डूबी गई चोरी में नैया। भगवान फटी जाई छाती आज मेरे प्रिय श्रोता हो, इस प्रकार से धीर सिंह रुधर मचाता है, चारों ओर देखता है, उसे कोई भी नजर नहीं आता है और कहने लगा है, अरे बेटा रूप बसंतिया जी त्यारो चाचा रहो बुलाई बिगड़ बनी के बीच आज तुम कहाँ छुपी हो जाई। चाचा रहे हो
विधाता, क्या करूं, कहां जाऊं, कहां अपने बेटों को देखूं। अरे बुलावे आज बेटन को, अरे रुधनी करके भारी और प्राण आपनी गमाने भैया ले लई हाथ कटारी। आज मेरे पिछड़ता हो देखी धर्मी, जब धीर सिंह आवाज लगाता दोनों बेटा नहीं आते हैं तो कहने लगा ही भगवान, से जुदा हो चुके तो मेरा ही संसार में क्या होगा, इसलिए मैं भी अपने बेटों की खातिर अपने प्राण तज दूंगा। तो क्या किया है भैया? अरे बुलावे आज बेटन को भैया, रोधन करे अति भारी और प्राण आपने तजने को जाने ले ले हाथ कटारी। श्रोता हो जैसे ही कटारी को धारण किया गले पर, एकदम से आकाशवाणी होती है, अरे सब्र कर धीर सिंह, दिल के फूल भी खिल जाएंगे, दूसरी दुनिया में तेरे बेटा बुलबुल की तरह मिल जाएंगे। आज जो इतने शब्द सुने हैं बंधु, धीर सिंह आकाशवाणी को सुनते ही कहने लगा ठीक है, ये आकाशवाणी कहती है कि मत मरो, चलो आज से मैं साधु का वेश धारण करूंगा और अपने बेटों का पता लगाऊंगा। तो बंधु आज को सोचता है कि धीर सिंह मत मरो, उनकी याद में मिल जाएंगे दोनों कुंवर कुछ दिनों के बाद, सब्र कर यार दिल के फूल भी खिल जाएंगे, दूसरी दुनिया में बुलबुल की तरह मिल जाएंगी। आज चल देता है वहां से। मन लाग्यो मेरी यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरी यार जो सुख पायो मीनी राम भजन, सुख पायो मीनी जो सुख पायो मीनी राम भजन में, वो सुख नाई अमीरी में, मन लागो मेरी यार फकीरी में, करके आगे बढ़ जाता है बंधु दोनों बच्चों की खातिर। इधर देखिए क्या होता है कि धीर सिंह तो अपने बेटों का पता लगाता है, और इधर दोनों बच्चे वहां से भागते 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 बियाबान घनेरे जंगल में पहुंच जाते हैं। तो एक वृक्ष था बहुत बड़ा विशाल, उस वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, सूर्य छिप जाता है, कहने लगे हैं कि भैया रूप, हे भैया बसंत, इस वृक्ष के नीचे हमें आराम कर लेना चाहिए, यहां से सुबह चल देंगे। बोले ठीक। तो आज बंधुओं दोनों बच्चे थके हुए उस वृक्ष के नीचे और सो जाते हैं। तो देखिए इधर क्या होता है, हे भैया मेरी
शीतल सो भैया लियो री बिताई। अरे भैया लियो बिताई, अरे राह अब मुझसे चली न जाती, और चाचा जी की याद के भैया पल पल मोई सताती। और बिना सहारे हुए अरे कौन अब हमको धीर बंधावे, और डूब गई अरे चाचा जी के बिना भ्राती अब कोया रहने बिताई। एकदम रोधन मचायो और रूप कुमार भर जेट आज निज भैया से बतरायो। मेरे बंधु इधर में दोनों बेटा वृक्ष के नीचे अपनी विपत्ति को काट रहे हैं, और इधर में रूप के नैनों में नींद छाई हुई है, और बसंत आज बार बार अपने भैया से पुकारता है और कहता है विधिगति मिटती नहीं मिटाई तुम धीर धरो मेरी भाई। विधिगति मिटती नहीं मिटाई भैया, विधि मिटती नहीं मिटाई तुम धीर धरो मेरी भाई। भगवान ने ये कैसी विपत्ति डाली, चाचा ने जान बचाई फिर विपन बनी में छाई। बनी
मेरे प्रिय श्रोता हो, इधर में दोनों भाई उस वृक्ष के नीचे बैठ करके अपने दुख की बात करते हैं, तो हारे थके सफर के मारे रूप कुमार सो जाते हैं और बसंत जाग रहे थे। तो इधर बंधुओं, उसी वृक्ष पर तोता और मैना रहती थी। तोता मैना आपस में कहने लगी, बहन तोता, बोले हाँ मैना, कि हमारे वृक्ष के नीचे दो मुसीबत के मारे बालक हैं, इनका हमें सहायता करना चाहिए। मैना बोली, हम क्या सहायता कर सकते हैं? तोता कहने लगा है कि हे मैना, मैं ऐसा फल बनना जानता हूं जो मेरे फल को जो भी खाएगा वह सुबह होते ही राजा हो जाएगा। मैना बोली, तो मैं भी फल बनना जानती हूं। बोले, तुम कैसा जानती हो? कि मेरे फल को जो भी खाएगा तो राजा अवश्य होगा, लेकिन कष्ट पा करके होगा। तो टपको, आज दोनों ही फल बन करके टपक जाते। इस बात को बसंत सुन रहे थे बड़े गौर से। बंधु, आज दोनों फल बसंत ने हाथ में उठा लिए और सोचा कि जो सुबह होने वाले राजा है, सुबह जो होने वाला फल है, उसे क्यों ना अपने भैया रूप को खिला दूं। जब वो राजा हो जाएंगे तो हमारा तो जीवन वैसे ही कट जाएगा। बंधु, सुबह होने वाला जो फल राजा का था बंधु, तो तोता वाला, वो अपने भाई रूप को खिला दिया। बोले, भैया भैया लो ये फल खाओ, और जो कष्ट पाने वाला फल था वो स्वयं खा लिया है। रूप कुमार कहने लगे, भैया इस फल से तुम्हारी भूख नहीं मिटी होगी, इसलिए ऐसे फल शायद और इस जंगल में होंगे, मैं और फल लेने के लिए जाता हूं, तुम यहीं बैठो। बोले, ठीक है भैया, जल्दी आना। बंधु, आज रूप कुमार जाता है फल लेने के लिए, इधर बसंत रह जाता है उस वृक्ष के नीचे। हाय हाय, लेकिन क्या होता है, उसी वृक्ष जो पुराना था उसकी जड़ में एक सर्प निकलता है। निकल करके और धीरे धीरे बसंत की ओर बढ़ा है, और वह सर्प आगे बढ़ा है। बसंत सो गया था। एकदम से फुसकार मार करके उसे काट लेता है। जो ही काटा है, भैया रो, भैया बसंत, भैया रो, भैया बसंत, भैया भैया ये क्या हुआ भैया, मुझे सर्प ने डस लिया मेरे वीर। उधर से बंदो बसंत की आवाज रूप देता है, और इधर से रूप कुमार कह करके वो चीखता है, क्या दशा है, अब बचने का मैं नहीं, जहर गया तन छाई, भैया मेरे से कौन अब सुखबरी कही जाई, ये जंगल के जीव अब पशु पक्षी तुम सुन लीजिए, भैया मेरा रूप से जल्दी खबर कर दीजिए, ये मेरे प्राण निकस्ती अब कुछ पल के मेहमान है, मानूंगा मैं एहसान ही। लेकिन बंधु, रूप बहुत दूर निकल चुका था, दौड़ पड़ा है, लेकिन बंधुओं आते आते क्या हुआ है, इतनी कह कर कुमार ने लिया हरि का नाम, प्राण पखेरु उड़ गई सो पड़ा रह गया चांद। जब तक पास आया है
तो तक तो राम राम कह कर कि आज बसंत गिर पड़ा है बंधु, एकदम से नीला शरीर पड़ जाता है। रूप आता है, अपने भैया को देखता है, भैया बसंत, भैया भैया तुम्हें क्या हो गया भैया, बोलो मेरे भैया, आके खोलो। लेकिन कोई नहीं बोलता है। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले, ऊपर वाले। भैया बसंत, भैया के खुल, भैया श्री भगवान, ये कौन से जन्म का पाप था जो तूने आज हमसे बदला लिया। घर से चले थे तीन, लेकिन तीनों में से दो रही, और ये प्रभु ये कौन सा पाप है जो कि आज हम दो में से भी एक रह गया। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले, ऊपर वाले। भैया हे प्रभु, रूप कुमार अपने भाई बसंत को बाहों में भर लेता है, कहने लगा है भैया मैं तेरे बिगर जिंदा न रहूंगा भैया,
मेरे वीर मुझे बोल सुना, उठ के सुना, उठ तो सही भैया मुझे धीर बंधा। नेक बोल सुनाए दे भैया, मेरी माँ की जाई छैया, ठाड़ो के धीर बनाए दे मेरी पड़ी भमर में नैया। भैया बसंत आके खोलो, मेरी पड़ी भमर में नैया। हे भैया बसंत, आज तुम कितने निर्मोही हो गए भैया, जो के रूप जैसे भ्रात को आप छोड़ करके दगा दे करके चले जा रहे भैया, मुख न मोड़े मेरे वीर। तुम बिन मेरी भ्रात देखी रूप कुमार न बच पावेगा, मेरी पड़ी भमर में नैया। हे भैया बसंत, मुख से बोल सुनाऊ भ्रात कही, अरे ने डरे खाए हुए, अरे मुख से बोल सुना भ्रात कहा, विचर ने डरे खायो ही, अनसन को सो जोड़ा भगवान आप बिछुटायो ही। अनसन को सो जोड़ा ही भगवान आज बिछुटायो ही, बचपन में मर गई मैया, भैया बचपन में मर गई मैया, बिलखत रहे दोनों भैया, ठाड़ो के बोल सुनाई दे मेरी पड़ी भमर में नैया। भैया बसंत, भैया तुम कहाँ हो भैया, बनी भी भारी रुधन बचायो ही, अजी
बनी में भारी रुधन मचायो की। सुन के रुधन देखने मी चंद नैन ने जल भर लायो की। सुन के रुधन देखो ने मी चंद जल भर लायो हे नेमी चंद है भैया हे नेमी चंद मम भैया थाड़ो के बोल सुनाई दे मेरी बड़ी भमर होता है। इस प्रकार से रूप कुमार रुधन मचाता है लेकिन उस बिया बान जंगल में कोई नहीं नजर आता है। कौन सुनने वाला था? आज भाई तो खत्म हो गया है। सोचने लगा है कि सामने नगर है, इस नगर में जाऊं और अपने भाई के कफन के लिए भीख मांग करके लाऊंगा, जब अपने भाई की लाश को ठिकाने लगाऊंगा। तो आज मेरी प्रिय श्रोता हो, भाई की लाश को वहां छोड़ देता है और उठ करके चल देता है। नगर में पहुंचा है और कैसे आवाज लगाइए, भूखे गरीब की यही दुआएं, औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो। इधर में रूप कुमार भीख मांगने के लिए गया शहर में, इधर देखिए क्या होता है। क्या उसी शहर में एक जनानिया प्रधान रहता था, और जनानिया प्रधान वो कैसो कि आदो हाय हाय आदो जनानो आदो मर्दान, जो कोई आता है और क्या क्या कह करके बोलता था बताऊं, ए तुम कौन होती था, ए तुम कहां से आती था, हाय हाय बारे जनानिया प्रधान। तो देखिए अब क्या होता है, आगे ध्यान दीजिए।
अरे मैं गाती और बजाती था, गाना है रोजाना दिया प्रधान को भैया। और देखिए उस नगर का राजा खत्म हो गया था, उसे जनानिया प्रधान से कह दिया था कि जो कोई सुबह 6 बजे फाटक पे मिल जाए उसे मिश्रा नगर का राजा बना देना। तो वो राजा ढूंढ में जा रहा भैया, कैसे मैं गाती और बजाती था, मैं राजा ढूंढने जाती था। होता है भैया कि जनानिया प्रधान ले गया उसे, जैसे ही फाटक पर पहुंचा जाकर के कहा, ए भैया ए तू कौन होती था? रूप कुमार कहने लगे, भैया तुम्हारी भाषा कैसी है? बोले, तुझे पता नहीं हम जनानिया प्रधान है, इसलिए हम आदि जनानी बोलते हैं, आदि मर्दानी बोलते हैं, लेकिन तुम ये बताओ कहां से आती था? बोले, भैया हम तो मुसीबत के मारे और मदद के लिए आए। मदद? अरे मदद तो तुम्हारी हो गई, चलो। तो क्या होता है, जनानिया प्रधान ले गया उसी और दरबार में पहुंचा आया ही। गद्दी पर बिठा दिया है। और क्या भैया, हो गए आज से तुम राजा, अब चारों हुक्म बजाएंगे इस मिश्रा नगरी की, राजा गद्दी की अच्छी चलाओ। श्रोता हो, देखिए इधर में मिश्रा नगर के राजा हो गए हैं रूप कुमार। अब तो राजा होकर के राज का मद हर इंसान पे आ जाता है, चाहे किसी को भी राजा बना दो। लेकिन अब देखिए इधर में वो बसंत कुमार जो मरा पड़ा है जंगल में, इधर क्या होता है कि उसी जंगल में एक शेर रहता था और वो शेर नित्यप्रत एक मनुष्य की भेंट लिया करता था। तो बंधुओं देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिए गौर से। अरे बिकट बनी के बीच में और गए संत के आई, और देखी लाश बसंत की तो जीवत दियोरी बनाई। होता हो देखिए एक महात्मा जी आ जाते हैं और बसंत कुमार को मरा देख करके हाय उसको जिंदा कर दिया है। अरे जीवत दियो बनाई, बसंत नहीं वहां पे रूप कुमार को पायो, और तोलू आयो शेर जाई, देखो बातें युद्ध मचायो। उधर वो महात्मा चले जाते हैं और इधर में हाय वो सिंह एकदम से झपटता है। तो क्या होता है भैया, अरे मारे पछाड़ो धरने, अरे काट दो ना
के कान जबलीनी और मरे हुए उस शेर के ऊपर आराम कुमार ने कीनी।